गिल्टी अम्मा को नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि अम्मा ने तुम्हारी वजह से गलत बयानी की थी और तुम हो के तुम्हारा तो लेक्चर ही खत्म नहीं हो रहा है, कैसेटी चल रही है तुम्हारी, झूठ गलत बयानी, झूठ गलत बयानी। क्या कर रहे हैं हम, कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं और वो सुदेश कोई खा नहीं जाएगा हमें। एक आंख नहीं भाता है वो लड़का मुझे, पूरी यूनिवर्सिटी में कितनी बुरी राय है उसकी, लोग जलते हैं उससे, इतनी खूबियां ना किसी को भी देख के बर्दाश्त नहीं होता, जैसे लोग मुझसे जलते हैं। हाँ तुम तो आसमान से उतरी हो ना। वो तो मैं उतरी हूँ। अच्छा तुम ना जलना शुरू कर देना बस। समाहा ये जलन नहीं है, मोहब्बत है मेरी। मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे चलता देख रही हूँ जिसकी वापसी में सिर्फ एक बंद गली और खाई है। वाह अल्लाह ना करे, मेरी बहन होकर मुझे ऐसी बददुआएं दे रही हो तुम। बददुआएं नहीं है, दुआएं हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी कभी। अच्छा ना अभी तो मुझे सिर्फ ये सोचने दो कि सुदेश कहाँ है, पता नहीं यूनिवर्सिटी आ जाया अभी कि नहीं। Wait a minute. मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सुबह उठकर मेरे साथ यूनिवर्सिटी कैसे आ गए। ये सवाल तुम मुझसे सातवीं दफा पूछ चुकी हो, बस आ गया यार, get over it please. हाँ, लेकिन जवाब तुमने मुझे एक बार भी नहीं दिया। चलो ओके बता देता हूँ, बहुत से दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था, उनको इनवाइट करने के लिए स्पेशली सुबह सुबह आ गया। आधी यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी दोस्त है, अब तुम क्या सारी यूनिवर्सिटी को घर उड़ाना चाहते हो? Hey. It's my silver jubilee. सब आएंगे। और तुम ये पार्टी घर पे थ्रो करना चाहते हो? हाँ, तो why not? अच्छा है ना? जरा रोक पड़ेगा। देखें सब मेरा घर कैसा है। Really? That's really cheap of you. पूरी यूनिवर्सिटी को हमारा स्टेटस पता है, तुम्हें ये करने की जरूरत क्या है? Okay, okay. कुछ लोग हैं अभी भी जिनको नहीं पता, उनको अपना घर दिखाना है। चल, let's go. लगता है आपकी आंखें मुझे ही तलाश कर रही हैं। आपको ये गलत फहमी क्यों हुई कि मैं आपको तलाश कर रही हूँ या मेरी आंखें आपके मुंतजर हैं? कि आंखों में चमक सी देखी थी अपने लिए, शायद इसलिए। वैसे डॉक्टरों को अभी तक खुशफहमी का कोई इलाज नहीं मिला। चले खुशफहमी ही कह दें, कल तो आ रही है ना। वैसे मुझे तो लगता है कि मेरा आना बहुत मुश्किल है। क्यों? मैं क्यों आऊं? मैं तो आपको इतना अच्छे से नहीं जानती। लेकिन आप मेरी बहन को तो जानती हैं, आप उसकी क्लासमेट हैं। आपकी बहन के और मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। उसने बताया नहीं आपको? ये तो मेरी बर्थडे है, मेरा घर है, आप आ सकती हैं। अगर आपकी बहन ने देखकर कहा कि समाहा मना तो मेरे घर में कैसे घुस गई? उसके दोस्त उसकी पार्टी पे आ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता, वो क्यों कुछ कहेगी? लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों है? तुम्हारी दोस्ती तो नहीं है? दोस्ती? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी हो जाती है, फिर ये ले। दोस्ती इंसान अपने ही स्टेटस में करता है, आपने और मुझ में काफी फर्क है। ये बात आपने गलत की, दोस्ती वाहिद चीज है जो स्टेटस देख के नहीं की जाती। और मैं तो कोई भी रिश्ता स्टेटस देख के नहीं बनाता, यू शुड नो दैट। और ये मेरा हाथ देखो, सबसे आगे किया हुआ है, अब फट रहा है, प्लीज हेलो फ्रेंड्स डन, आप आ रही हैं? अच्छा हाथ तो छोड़ दीजिए, पहले आप डन करें कि आप आ रही हैं। मेरा
फिर भी आना मुश्किल है। हमारे घर में गाड़ी नहीं है और आप डिफेंस में रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं। That's okay, my car, मेरी गाड़ी ड्राइवर के साथ आपको पिक भी कर लेगी, ड्रॉप भी कर देगी। और कुछ? और कुछ? हम कुछ हो रहे हैं। दोस्ती की है, जान भी हाजिर है। ये गाड़ी क्या चीज़? चाहिए नहीं, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी तो पिक एंड ड्रॉप हो जाएगा, मगर आपकी बर्थडे पे अगर आपको गाड़ी गिफ्ट मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। मुझे महंगे गिफ्ट्स देने की आदत नहीं है और लेने की भी नहीं। मुझे भी महंगे प्रेजेंट्स लेने की आदत नहीं है, मगर देने से मजबूर हूँ। मैं था